इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज और आईएनएन 7 में आप सभी का खैर मकदम है। आप सभी को इस्लामिक नए साल की मुबारकबाद। कहर कोरोना का जारी है। आज फिर बेलगाम जिला में 360 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए, तो 88 को डिस्चार्ज भी किया गया। मौतों का आंकड़ा भी 10 से ज्यादा होने की इत्तला हासिल हुई। बारिश के थमने से बाजारों में चहल पहल भी बढ़ी हुई है। रास्तों पर गणेश पंडाल का काम जारी है। अब साउंड सिस्टम बिठाने वालों ने भी अपना मुतालबा पेश करते हुए कहा कि गणेश त्योहार में पंडाल पर साउंड सिस्टम बिठाने की इजाजत दी जाए। पहले सड़कों पर पंडाल डालने की इजाजत नहीं थी, पर अब हुकूमत ने फैसला बदलते हुए जहां भी मंदिर नहीं है वहां पर पंडाल डालने की इजाजत दी है। ACP बर्मनी साहब ने किसी तरह का जुलूस ना निकालने की सख्त हिदायत भी दी है इन गणेश मंडलों को। कोरोना के मद्देनजर सफाई का ख्याल किस कदर जरूरी है इसका अंदाजा सभी को है। मरकजी हुकूमत की जानिब से स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत 228वां मकाम बेलगाम शहर ने हासिल किया हुआ है। वाजर है पहले काफी पीछे हुआ करता था, जो अब बेहतरी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। तालुका मकामात पर भी स्वैब टेस्टिंग कलेक्शन शोभा शुरू किया गया है। खानापुर सरकारी अस्पताल में इसकी इफ्तिताह मोहतरमा MLA अंजलि निम्बालकर के हाथों अमल में आई। मरीजों की मौत के साथ कई मुश्किलात का सामना भी सेहत महकमा और कॉरपोरेशन आमिले को करना पड़ रहा है। कोरोना का डर इस कदर आवाम के दिल में बैठा है कि मरने के बाद कई लोगों के घर वाले मैयत को लेने तक नहीं पहुंच पा रहे। लिहाजा कई मजाहिब के अपने मुख्तलिफ रसूमात होते हैं। लिहाजा सेहत आला अफसर डॉक्टर बसवराज ढबाड़ी ने मुख्तलिफ माशरे के जिम्मेदारों को बुलाकर मशवरा किया और बताया कि अंजुमन इस्लाम ने शुरुआत से ही अपने समाज के लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए खिदमात बखूबी अंजाम दे रहे हैं, पर देखा यह जा रहा है कि दिगर मजाहिब के लोगों की जमातें तंजीमें पहल नहीं कर रही, जिससे आवाम में नाराजगी है। और एक ही तरीके से शमशान में आखिरी रसूमात अंजाम दिए जाने पर एतराज भी किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइन दी जा रही है इसका इल्म घर वालों को नहीं रहता, लिहाजा कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम आखिरी रसूमात भी इन्हीं की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। कॉरपोरेशन महकमा का भी यही कहना है कि कितनी कामों को हम अंजाम देते रहेंगे। कॉरपोरेशन आमिले के साथ साथ डॉक्टर बसवरा धबाड़ी ने सभी तंजीमों से जिम्मेदारान से गुजारिश की कि समाज के जिम्मेदार पेश आए और आखिरी रसूमात को अंजाम दे ताकि किसी को भी शिकायत ना हो। वाजा रहे मुख्तलिफ समाज के लोगों में आखिरी रसूमात अलग अलग तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। किसी को दफनाया जाता है, किसी को जला दिया जाता है। बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर अंजुमन इस्लाम की जानिब से न्यू गांधी नगर में 2 रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम शुरू किया गया। डॉक्टर आसिफ मंगलगट्टी की निगरानी में यह मेडिकल कैंप को अंजाम दिया जा रहा। कारपोरेटर फहीम नाहीकोड़े और दिगर जमात के जिम्मेदारान भी इस वक्त मौजूद रहे। उमूमन यह देखा जा रहा है कि आज भी कई जगहों पर खांसी बुखार सर्दी के मरीजों को देखने से गुरेज किया जा रहा है। लिहाजा इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए अंजुमन इस्लाम की जानिब से पहल करते हुए गांधीनगर में 2 रोजा मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस वक्त मोहल्ले के कॉरपोरेटर जनाब फहीम नाहीकोड़ी, आसिफ राजू सैयद अब्दुल गफ्फार घी वाले, डॉक्टर आसिफ मंगलगट्टी ने अपने ख्यालात का इजहार किया और 2 रोजा मेडिकल कैंप का असल मकसद बयान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज न्यू गांधीनगर में अंजुमन इस्लाम की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। बड़ी खुशी होती है कि हमारे डॉक्टर हाफिज आसिफ साहब आगे बढ़ के काम करने के लिए तैयार हुए। सभी से यही दरख्वास्त है कि अपना चेकअप कराइए, हिफाजत से रहिए, मास्क का इस्तेमाल, हर वक्त हाथ धोना, साबुन से सैनिटाइज करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सबसे ज़रूरी है। देखते आ रहे हैं कि बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है और हम रोज़ अगर केसेस देखें बेलगाम के तो भी बढ़ते ही जा रहे हैं।
और इस बीमारी का चेन तोड़ने का एक ही तरीका है, ये मास्क और सेफ डिस्टेंस रखना। अस्सलामुअलैकुम। आज जो ये कैंप रखा गया है 3 दिन के लिए अंजुमन इस्लाम की तरफ से, तो मैं सभी न्यू गांधीनगर के लोगों से, आसपास के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप आके इस कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाएं। जो अगर मेडिसिंस ले भी नहीं सकते, जो बहुत ही पुअर है, उनके लिए है ना अंजुमन की तरफ से सभी मेडिसिंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा अगर उनको चाहिए तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज न्यू गांधीनगर में मेडिकल कैंप मुनक़द किया गया है। डॉक्टर आसिफ साहब और अंजुमन के सदर आसिफ सेठ साहब की रहनुमाई में न्यू गांधीनगर वालों के लिए, ख़ासकर ये कोई कोविड के ताल्लुक से नहीं है बल्कि सर्दी बुखार अगर कोई चीज़ें हैं तो, अगर कोई बड़ी बीमारी है तो इंशाल्लाह वो डॉक्टर साहब जो आपको रहनुमाई करेंगे और हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। मेरे अजीज़ भाइयों दोस्तों, आज जो एक मेडिकल कैंप न्यू गांधीनगर में स्टार्ट किया गया है अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदारत में, राजू शेठ जो हमारे सदर है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे गफूर भाई, इसमें एक हमारी टीम जो है बहुत दिन से काम कर रही है, जैसा अमीन है, हमारे अशफाक भाई है, राजा समीउल्लाह मुल्ला है, पक्की भी हमारे बहुत से साथी हैं जो साथ में साथ दे रहे हैं। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी आप लोगों का ताउन चाहिए, ताउन मतलब डोनेशन नहीं, आपका साथ चाहिए। जो हम मेडिकल जो मेडिसन्स दे रहे हैं लोगों तक हम पूरा नहीं पहुंचा सकते। आप जमात वाले जो हमारे वर्ल्ड गांधीनगर की जमात है, न्यू गांधीनगर के दोनों जमातें हैं, उज्जवल नगर के, अमन नगर के, सभी लोग अपने अपने मोहल्ले में ऐलानात कराकर लोगों को अवेयरनेस करके लोगों को मेडिकल तक, हॉस्पिटल तक भेजने की कोशिश करें और उनको समझाएं ये कोविड टेस्ट नहीं है और डरने की बात नहीं है कि एडमिशन हमारा का कोविड पॉजिटिव आया तो एडमिट करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, ऐसा लोगों को गलत फहमी है। ये खाली कोविड आने के पहले का प्रिकॉशन है, सर्दी बुखार खांसी की दवा है। कोरोना का कहर आज भी जारी है, लिहाजा स्कूलों को शुरू करने का कोई ठोस ऐलान अब तक हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। बच्चों का घरों में पढ़ाई करने की तरफ तवज्जो दिलाने की भी कोशिश मुख्तलिफ तरीके से की जा रही है। यह भी परेशानी का सबब है कि बच्चों को मुकम्मल स्कूलों की किताबें अभी भी मैसर नहीं हुई, लिहाजा इसी मुश्किल को मद्देनजर रखते हुए मेक देम स्माइल फाउंडेशन और क्रिएटिव एड्स की जानिब से एक डिजिटल ऐप की इफ्तिताह अंजुमन हॉल में की गई। वाजह है कि इस डीजी बुक्स ऐप में पहली क्लास से लेकर 10वीं तक के तमाम टेक्स्ट बुक्स उर्दू मीडियम के साथ कन्नड़ मराठी इंग्लिश के भी टेक्स्ट बुक्स इसमें आपको हासिल होंगे। इस वक्त मेक देम स्माइल फाउंडेशन के जिम्मेदार सरफराज खतीब, दीपक पटेल, गायत्री गावड़े, क्रिएटिव एड की जानिब से नबीउल्लाह बड़कन्नावर और मोहम्मद उमर इस वक्त मौजूद थे। इसी तरह से हर रोज आप देखते रहिए इत्यादि। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। डीजी बुक क्या है और हमने किसके लिए बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में एक टैब है, इसमें कवर पेज आप देखते हैं डीजी बुक। डीजी बुक क्या है, इट्स अ डिजिटल बुक। जैसे कि समझो अभी एक टेक्स्ट बुक जैसा आता है जो गवर्नमेंट अभी जो टेक्स्ट बुक वगैरह जो प्रोवाइड कर रही है, ओके। अभी जैसे कि क्राइसिस चल रहे हैं कोरोना के बारे में, कोरोना के बारे में जो क्लासेस अभी जो भी क्राइसिस चालू हैं, तो गवर्नमेंट और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स क्या कर रहे हैं, वो लोग जो है क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, ओके। प्राइवेट स्कूल में तो क्लासेस अच्छी तरह से चल रहे हैं। मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है हमारे जो गवर्नमेंट गोइंग बच्चे जो हैं उनको बहुत सफ़र हो रहा है स्टडीज़ के लिए, बिकॉज उनके लिए कुछ गूगल मीट वगैरह का कुछ ऑप्शंस नहीं है। और हमारे सर्वे के हिसाब से हमको ये पता चला है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं गवर्नमेंट गोइंग स्टूडेंट्स के, तो ऑलमोस्ट 60% बुक्स अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से पहुँचा है और बहुत सारा बच्चों को, स्कूल्स को गवर्नमेंट्स के जो बुक्स पहुँचना है गवर्नमेंट स्कूल में अभी पहुँचे नहीं हैं। इसका मकसद क्या है, डीजी बुक जो हमने बनाया है, डिजिटलाइज किया है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अभी जो भी बच्चा जिसके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है वो नहीं है, हमने सर्वे किया, मैक्सिमम गवर्नमेंट गोइंग स्टूडेंट्स जो है उनके पास 60% बच्चों के पास मोबाइल भी है और इंटरनेट कनेक्शन भी है। तो कम से कम ये जो हमने डीजी बुक जो लॉन्च किया है थ्रू, उसके थ्रू वो बच्चे कम से कम अभी उनके स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी वो टीवी पर जो क्लासेस ले रहे हैं उनका रेफर करके वो लोग आगे सीख सकते हैं। मैं आपको अभी डीजी बुक के फीचर्स और ये कैसे ऑपरेट होता है ये बताऊंगा। ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये एक पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे,
ये पीडीएफ जो है एकदम नॉमिनल 1 MB के अंदर आएगा, जो कि इजीली शेयरेबल रहेगा। तो इस पीडीएफ के अंदर इंग्लिश मीडियम 6th स्टैंडर्ड का ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पेज में जब आप जाएंगे तो आपको एक बुक लाइब्रेरी मिल जाएगी। 6th स्टैंडर्ड में जितनी भी टेक्स्ट बुक्स आते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, फिजिकल एजुकेशन, साइंस, सोशल साइंस, इसके अलावा लैंग्वेजेस इंग्लिश, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, मराठी, ये सारे आपको सारे टेक्स्ट बुक्स के लिंक्स मिल जाएंगे। देखिए मेन फीचर्स ये एंड्रॉयड भी है, iOS पे भी चलेगा, जो टैब है। हाँ देखिए ये रिस्पॉन्सिव है, आप छोटे से छोटे फ़ोन में भी देखिए, इससे भी अगर छोटा डियो आता है तो उसमें भी काम करेगा, आप इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। सेम फीचर आपको मिलेंगे। और हम लोगों को चैलेंजेस ये भी था कि उर्दू मीडियम का रिवर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम लोग इंटीग्रेट कर दिए हैं। जो उर्दू मीडियम है, उर्दू मीडियम को आप राइट टू लेफ्ट रहता है, तो उसको भी हम लोग मतलब छोटी भी जो फीचर्स लगती है बच्चे को भाई ये रहना चाहिए, तो उसको हम लोग पूरी कोशिश किए उसको इंटीग्रेट करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भाई ने बताया कि जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का है उसको, और बुकमार्क अभी मैं 5th चैप्टर ख़त्म कर दिया, सिर्फ मतलब उसको बुकमार्क करके रख सकते हैं, तो उसको भी इंशाल्लाह हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, नेक्स्ट वर्जन में उसको लॉन्च करेंगे।